અને હવે આવતી વિધાનસભામાં લવ જિહાદનો કાયદો લાવીએ છીએ। भाइयों बहनों विकास की प्राथमिक शरत लगा भाई इलेक्शन होने जा रहे हैं गुजरात में, इसलिए इनका गंदा खेल घिनौनी इनके साजिशें बेनकाब होते जा रहे हैं। ये हराम खोर, ये नस्ल हराम, ये पापी, खैर सारे पापी हैं इनके पास, कौन एक अच्छा आएगी वो भी पता नहीं। लेकिन ये हराम खोर अपनी स्पीच में, बयानबाजी में अपनी इस्लाम को टारगेट कर रहा था, हमारी शरीयत में मदाखलत की थी इसने, और इसने हमारे इस्लाम को एक औज़ बिल्ला, हम तो अल्फाज भी नहीं दोहरा सकते, हम ना किसी के मज़हब के लिए हम बोल सकते, तो हमारे इस्लाम की शान में गुस्ताखी की, हमारे रसूल की शान में गुस्ताखी की, और अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ने इसके ऊपर लानत ऐसी भेजी कि ये बयान करते करते ही ज़मीन पे गिर पड़ा। ये आप लोगों को इसीलिए रखा मैं, ये या हराम खोर को ऐसा कोई वो नहीं है, इन्हें वज़ीर आला है, चीफ मिनिस्टर, तो उसकी जगह पे हमको कोई लेना देना नहीं है किसी से। लेकिन जब जब हमारे इस्लाम को टारगेट करेंगे, हम भी बोलेंगे इनको, हम भी थूकेंगे, और अल्लाह की तरफ से इनको भी ये सज़ाएँ मिलेंगे। अब कोई नहीं बचेगा, क्योंकि हर चीज़ की एक हद, एक लिमिट होती है। ये लोग सारी लिमिट पार कर चुके हैं, सारे हदें पार कर चुके हैं, इसलिए इनको सज़ाएं मिलेगी। अभी अपनी ज़िंदगी के लिए तरस रहा है, ये हॉस्पिटल में है सूरत के अंदर, लेकिन अपनी ज़िंदगी को तरस रहा है, ये गिड़गिड़ा रहा है। डॉक्टरों की बड़ी कोशिश चल रही है किसी तरीके से इसको बचाया जाए, लेकिन ये बचेगा नहीं, ये बचेगा नहीं। अभी आईसीयू में है, अभी इसका इलाज चल रहा है, लेकिन हम इसके हक में दुआ भी नहीं कर सकते, बदुआ भी नहीं दे सकते। बदुआ इसलिए नहीं दे सकते, इसलिए खुद वो अपनी खुद की मौत मर रहा है, वो अपने खुद के गुनाहों की सजा काट रहा है, समझे। तो इसीलिए ना हम इसको दुआ देंगे कि अच्छा हो जाए बोल के, क्योंकि अगर ये हमको कुछ बोलता, देशवासियों को कुछ बोलता, तो कोई बात नहीं थी। ये हमारे इस्लाम की शान में गुस्ताखी करा, जो हमको नाकाबिल कबूल, नाकाबिल बर्दाइश है। तो इसीलिए इन कमबख्तों को यही कहूँगा मैं, जब जब तुम लोग ऐसी घिनौनी हरकत करेंगे, ऐसी नीच हरकत करेंगे, ये खुमियाजा तुमको भुगतना पड़ेगा, अल्लाह की मार तुमको ऐसे ही पड़ेगी, तुमको ये चीज़ झेलनी पड़ेगी, तुमको ये चीज़ बर्दाइश करनी पड़ेगी। अब तुमको खत्ते माफ नहीं किया जाएगा, ये एक सबक है। इसलिए अभी आंखें खोल लो रे हराम खोरो, जो हमारे इस्लाम को तुम लोग एक खेल बना के रखे, मशहूर होने के लिए, थोड़ी सी टीआरपी के लिए एक ही चीज़ रही, बस इस्लाम को बोलो मशहूर हो जाओ। मशहूर नहीं, अब ऐसे जाते जैसा ये हराम खोर गया है, अभी गया नहीं, चला जाएगा खत्म। अभी एक जीती जागती एक लाश बनी हुई है उसकी,
अगरचे ये हॉस्पिटल से डिस्चार्ज भी हुआ तो ये फालिश और ऐसे बीमारियों में मुबतला हो जाएगा कि कभी जबान नहीं खोलेगा, ये कभी इस्लाम की तौहीन नहीं करेगा। ये अल्लाह की मार है जो लाइलाज होती है, जिसका कोई इलाज नहीं होता। तो इसीलिए कान खोर के सुन लो ये हराम खोरो, जो गंदगी जो जहनियत में तुम्हारी जो भरे हुई है वो निकालो, नहीं तो ये चीज़ों से गुजरने के लिए तैयार हो जाओ, जो चीज़ों से तुम्हारे वजीर आला गुजर रहे हैं दो दिन से, समझे रे हराम खोरो। तो बहरहाल मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, ये जो गुजरात के का वजीर आला जो चीफ मिनिस्टर है, इसने हमारे इस्लाम को ऐसे से अल्फाज इस्तेमाल करा जो मैं बता भी नहीं सकता, न दोहरा सकता आपके सामने। लेकिन अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती, ये हमेशा बोलते हुए आता हूँ। तो इसको खुदा की कुदरत ने एक ऐसा तमाचा रसीद किया, इसको एक ऐसा तमाचा मारा कि ये बस मेक पकड़ते बोलते बोलते जो है सो नीचे गिर पड़ा। वहां से इसको हॉस्पिटल ले गए, पता चला कि इसको हार्ट आया है और ये इसका तीसरा हार्ट है। हमने ये भी नहीं कह सकते कि जो है सो अल्लाह इसको वो कर, क्योंकि इस वक्त वो बिस्तर पे है, जेर इलाज है। ना हम इसके लिए दुआ करेंगे कि अच्छा हो जाओ, ना बदुआ देंगे कि ये ख़त्म हो जाए। ये अपनी मौत खुद मरेगा। जो कुछ है अल्लाह का मामला है, वो अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त जो भी बेहतर जानते हैं वो करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इन सारे नापिकारों को ये चीज़ ज़रूर कहूँगा मैं, अगर से तुम ऐसी हरकत करोगे तो तुम्हारे साथ भी ये हाल होगा, तुमको भी यही खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। इसीलिए कान खोल के सुन लो, कोई चीज़ तुम्हारी बर्दाश्त अब नहीं की जाएगी, हर चीज़ का तुमको माकूल जवाब मिलेगा, हर चीज़ का माकूल जवाब मिलेगा। इसलिए ले कम वक्त हो अरे कम ज़र्फ़ो, जाग जाओ, होशियार हो जाओ। देखो हमारे अल्लाह की लाठी में आवाज़ नहीं होती। आज जिंदगी के लिए तरस रहा है लेकिन उसको ज़िंदगी नहीं मिलेगी, ज़िंदगी मिली भी अगर से तो ज़िंदगी से वो खुश नहीं होगा, वो किधर का भी नहीं रहेगा, किधर का भी नहीं रहेगा। तो मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, जो जो हमारे इस्लाम को और हमारे अल्लाह पाक को नौज़ुबिल्लाह ये हराम खोर साले, अल्लाह के हबीब और हमारे हबीब, सारी उम्मत की माँ की शान में जब जब गुस्ताखी होगी, जब जब गुस्ताखी करेंगे इनको कुफरे करदार तक, अभी हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त खुद इनको ऐसे तमाशे रसीद करेंगे जो ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, जिसका कोई इलाज नहीं होगा, जिसका कोई इलाज नहीं होगा। तो बहरहाल आप लोग भी नमाज़ों की पाबंदी करिए, नमाज़ें मिस मत करिए, नमाज़ों की पाबंदी करो, माँ बाप की खिदमत करो, बड़ों के अहकाम पे अमल करो। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त तुमको दुनिया में और आखिरत में, दुनिया में भी और आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी से नवाजेंगे। इस रूठे हुए रब को मना लो, उस रूठे हुए रब को मना लो, तुम्हारी ज़िंदगी सफल होगी इंशाल्लाह, तुम जिंदगी में कामयाब होंगे। आप लोगों को यही कहना था आपके इस भाई का कि अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करो, नमाजों की पाबंदी करो, सारे मिलजुल के रहो। इनका जो है अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त खुद इनको तमाचे रसीद कर रहे हैं, सुभान अल्लाह। ये हमको बस जो कुछ भी है अल्लाह को हाथ उठा के मांगना है, वो कबूल करने वाले हैं, और हर वो चीज़ हमारी इंशाल्लाह कामयाब होगी, हमारे हर जायज़ मकासद कामयाब होंगे इंशाल्लाह। तो इसलिए हमको किसी से डरने घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमेशा कहते हुए आ रहा हूँ, मौत से पहले मौत नहीं, मौत के बाद मौत नहीं। मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है, मौत तो तय है, मौत से कौन बचा जो हम बचेंगे। इसीलिए मौत से मत डरो, लेकिन वहाँ जाने से पहले अपने आप को सुधार लो, नेक रास्ते पे चलने की तौफीक अल्लाह हमको दे, नेक रास्ते पे चलिए। आप लोग भी गरीब की मदद करिए, अगरचे आपके पास एक रोटी है तो आधी रोटी खाकर आधी रोटी तकसीम कर दीजिए गरीब में जो भूख से मर रहे हैं। अल्लाह रब्बिल इज़्ज़त ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, ऐसे लोगों को वो करते हैं, इसलिए अपने बस्तियों में, अपने इलाकों में, अपने मंतखों में गरीबों का ख्याल रखिए।
कोई शर्म के मारे पूछता नहीं है, लेकिन उसकी सूरत देखकर आप पहचानिए, यही इंसानियत है।